फेज में जो है हमारी ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इसमें जा रहा है, जिसमें जडीबल कंचन भी आप मौजूद हैं। एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा डीसीआरसी डिस्पैच कलेक्शन रिसेप्शन सेंटर है, स्ट्रांग रूम हमारा यहीं पर रहेगा, इंटरमीडिएट हमारा यहां से 12 बजे के करीब हमारे 143 पोलिंग पार्टीज जो हैं 143 यहां से रवाना हो जाएंगी और आई थिंक इनके साथ ये सेक्टर वाइज निकलेंगे। हमारे आपने अगर हमारा वहाँ पे देखा हो, जहाँ पे गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, जहाँ पे 19 सीटर 32 सीटर और सुमोज भी खड़ी हैं, वो तमाम सेक्टर वाइज फॉर्मेशन की शक्ल में मौजूद हैं। वो विद इन 3 आवर्स जो है यहाँ से निकलेंगे सभी लोग ईवीएम और मटेरियल के साथ, और ये सेक्टर वाइज निकले। हमारे 19 सेक्टर आते हैं इसमें और इसमें 4 जोन्स भी आ रहे हैं। वोटर्स की तादाद तो 1,13,000 प्लस है हमारी वोटर्स की तादाद, और इसमें पोलिंग बूथ जो है 143 है। इसमें हमारे यूनिक पोलिंग स्टेशन डल के भी आएंगे जो 8 और 11 के दरमियान है, 8 तो बिल्कुल डल के अंदर है या 3 उनमें से सेपरेटली डल के बैक साइड पर भी है। वो यूनिक पोलिंग स्टेशन है, वो एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है वो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के आसपास जो है वो तो कैनवासिंग एरिया डिफाइंड है, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट्स को तमाम को सेंसिटाइज किया गया है। इवन हमारे जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं जगह जगह पे, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है और वो जो है वो उस कैनवासिंग एरिया में किसी को घुसने तो देंगे नहीं। और प्लस साथ साथ इंतजाम अगर वहाँ पर देखे जाएँ तो बिजली पानी और मेल फीमेल सेपरेट टॉयलेट, तमाम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो पोलिंग स्टेशन के लिए बताई गई वो तमाम जो है वो ज़मीन पर उतारी गई है इंशाल्लाह। क्यों जडीबल कंसल्टेंसी से, तो आज मैं पहली बार अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फैसिलिटीज़ तो इधर बहुत अच्छी है, अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला। ट्रेनिंग सेशन हुए हमारे, तो हमारे ट्रेनर्स जो थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एज ए पीओ जा रहा हूँ ड्यूटी देने के लिए जडीबल में।